तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फिलहाल हमारे देश में तो गर्मी आ गई है। आप सबके देश में गर्मी आई है कि नहीं आई है? यहाँ देखो फ्रिज में लाला पानी आने लगा रहा है और जिस जिसको प्यास लगी वो पानी पी लो। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डालते हैं हम। गौर से डालते तो है मगर गौर से नहीं डालते। पानी लगा के आया, देखो लाइट जल रही है, लाइट के मारे दिख नहीं रहा। थाली क्यों लेके आ रहा? डायरेक्ट भगोना ही में लेके आ जाए ना, काले वाले में। आज सुबह की रोटी रखी है साथ ठंडी। अभी हम लोग बनाएंगे सब्जी चावल, बस सब्जी चावल बना के और कुछ नहीं करेंगे। अब लाला ही बनाया, आज सब्जी भी बनाया, देखो चावल भी बनाया, बना रहा है इतने बड़े भगोनी में। क्या है वो भगोना को हमने काला कर रखा है चूल्हे पर चढ़ाने के लिए, तो उसी में अभी चावल बना लेंगे और रोटी रखी है। तब पापा लोग इसके रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे और हम खाएंगे चावल, है ना लाला? पूरा डाल ले लाला, बचेंगे तो फ्राई कर लेंगे, है ना? आज तुमने लाला देख, हमारा तो कूलर देखो टूट गए अंदर से, चुई रहो पानी। आज लाला नहीं आता, तो सुबह सुबह आज हमने बाल नहीं धोए, पता है बुधवार था, आज बाल धोने का समय था, बाल नहीं धोया। और दोस्त देखो मैंने साड़ी में लेस लगाया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा, अंधेरा है ना यहाँ पे इसलिए नहीं दिखता है। तो वीडियो बनाने का तभी मन आता है। देखो यहाँ पे खाना बन रहा है, खाना बनने स्टार्ट कर दिया है। शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी तक दिन है थोड़ा थोड़ा। और ये देखो मनी प्लांट कैसा हो गया लाला, वो थोड़ा वो डाल देना है। और ये पता नहीं धूप से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने आप जले जा रहा है। पानी बंद कर ले, मोटर चला रखा है। जो कैसा लग रहा है देखो, कंटर अंटर रख रहा है उठा के, पूरा काम कर रहा है। किस लिए मालूम है? मोबाइल चलाने के लिए। मैं कर रही थी सिलाई, सिलाई करते करते टाइम हो गया, अब बाहर आई हूँ निकल के। एक हमारा गया है बाजार मार्केट सामान लेने के लिए, दूध वगैरह छाछ लेके आएगा, दूध लेके आएगा, अभी तक नहीं दिख रहा है। छोटी सी बच्ची आ रही है दूध लेके, दिख रही होगी आपको। लड़का है शायद, लड़की नहीं हो। निकल गया सीने से बाहर ये दिल धक धक करता, मेरा दिल नहीं लगता। आने वाला है अभी, आ जाएगा थोड़ी देर में दोस्तों। पता है इतने टाइम यहाँ बहुत अच्छा लगता है देखने में। आ गया फोन लेके, उनके चबूतरे बैठेगा कहेंगे तुम्हारे लिए बनाया है क्या?
बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल गांव की तरह लगता है इतने टाइम। देखो सूरज नारायण अपने घर को चले गए हैं और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सिटी से थोड़ा बाहर है गांव साइड का। मान लो गांव जैसा, गांव तो नहीं है फिर भी गांव जैसा ही लगता है। यहाँ पे क्या है, सिटी से रोज लोग निकल निकल के जैसे जो बाहर के लोगों ने मकान लिया है तो उन्होंने यहाँ पे घर बनाया हुआ है, यहीं पे हमने भी खरीदा, हमने भी यहीं पे बनाया हुआ है। ये हमारे आगे फैक्ट्री है, जब भी तो इस तरह से टीन का गेट लगा हुआ। गाय दिख रही है, गाय खड़ी है। गर्मी में तो कुछ भी मन नहीं करता करने का, ऐसे खाना कौन बनाता है? तू तो खाना बना रहा है यहाँ पे बैठा हुआ है। हम औरतें बनाते हैं तो किचन में ही रहते हैं खाना बना के। कर सेवटी सफारी खाते हैं सेवटी। निकल गया सीने से बाहर ये दिल धक धक करता, मेरा दिल नहीं लगदा। देखो दूर दूर तक दिख रहा है। पहले हम भी ऐसे चुटिया बना लेते थे अच्छे, अब पता नहीं क्यों नहीं। लाला आ रहा है लेके दूध छाछ वगैरह वगैरह। शैम्पू मंगाए, अब बाल धोएंगे जाके। छाछ आज लेके आ रहा है हमारा कलुआ, देख रहा है। ले आया खाने के लिए? क्या क्या लाया, क्या क्या लेके आया? देखिए अरे यहाँ पे क्यों रख रहा है भाई? नहीं इसकी कच्ची देख रहा है। मेरा आगे मेरा रख के आ जा। लाला चूल्हे की लकड़ी अंदर कर देना। काका खाने के लिए भी लाया होगा। दोस्तों मम्मी को अभी टाइम मिला है, देखो अभी धो रही है मुंह, धो के आई है मतलब। बाल धो के आई हूँ दोस्तों, पूरे दिन मुझे टाइम नहीं लगा बाल धोने का, तो मैंने अभी बाल धोया है। नहाया तो सुबह था, बाल नहीं धोया था तो अभी धोया है। अब क्या करें जब टाइम नहीं मिलता है, तो आप सुखा लेंगे। वो क्या कल गुरुवार था ना इसलिए, तो फिर कल बाल नहीं धोती, तो बाल नहीं धोते हैं तो हमारे सर में दर्द होने लगता है, इसलिए मुझे बाल धोना बहुत जरूरी था। तो मैं धो के आई हूँ, अभी सूख जाएंगे थोड़ी देर में, तो बना लेंगे चोटी। और कल के लिए एक काम भी खत्म हो गया, कल नहीं बनानी है रोटी। कह रहा है कल रोटी भी ना बनाना, रोटी तो बनानी ही पड़ेगी। क्यों नहीं बनाएंगे, रोटियां तो भाई बहुत जरूरी है, सही से करो। दोस्तों कौन कौन रात में बाल धोया है कमेंट करके जरूर बताना, कौन कौन नहाता है रात में? मैंने नहाया तो नहीं है, बाल बाल धो के आई हूँ। अब क्या है, हमारा कलवा बेटा बैठा है, वो जा रहा है नहाने। नहाएगा ना तू? हाँ अभी पढ़ाई लिखाई में जा रही है। यार काफी गोरे दिख रहे हैं,
गोरी छूं तो गोरी तो दिखू ली भाया। ये राजस्थान का भाषा है, ये पति देव हाल उल्टे हो जाते ऐसे हो जाओ। ओ तेरी बाल को जाओ, किस नहीं दे रहा इतना टाइम, कोई थोड़ी ना है अभी, 8:30 बज गए। हाँ बना, हाँ सचों के सच्ची में 20 हो गए। अरे दोस्त 8:30 बज गया, देखो बोला मैं 8:30 बजे तक नहा धो के फ्री नहीं हुई हूँ। कैसे लग रहे हैं देख लो, बहुत खराब लगते हैं ना, मुंडा पे कुछ नहीं होता है जब गीले गीले भौंहें तो दिख ही नहीं रहे। अभी बाल को बांधूंगी, देख लो 8:30 बज गए, 8:30 बजे कौन बाल धोता है। बाथरूम में बर्तन वर्तन साफ करके मैं सोची चलो हाथ की हाथ बाल भी धो लेते हैं वहीं पे, तो मैंने धो लिए, होगा जो देखा जाएगा। अब सुखा ले इनको, वो कहा सुबह धोती, सुबह थोड़ा टाइम भी था, फिर फोन उन आ गया, बात करने लग गए, बात करने के बाद फिर बाथरूम में हम गए तो वहां पे देखा क्या लाला, शैम्पू नहीं था, सबसे बड़ा बात तो ये था, फिर शैम्पू लेने कौन जाता। फिर मैंने सोचा चलो बच्चे आएंगे स्कूल से तो शैम्पू ला के देंगे मम्मी को, तो मम्मी नहा लेगी फिर बाद में, तो अभी ला के दिया है तो बोलो टाइम तो हो ही जाएगा जब कोई शैम्पू वैम्पू ला के देगा हमको। पहले लाला देखो ऐसे टेढ़ी मांग काटते थे, जब कोई शैम्पू वैम्पू ला के नहीं देता है तो फिर कैसे होगा काम बताओ तुम। कोई देता है शैम्पू देने का मन करता है बताओ, ये पढ़ाई हो रही है देखो, एक फोन में लगा पड़ा है, देखो देखो ये पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई का नाम है ऐसे कौन पढ़ाई करता है, फैलाओ ना फैला के हम। और उनको देखो वे पट पड़े हैं, कितने बड़े दिख रहे हैं फोन में, जैसे बहुत बाबा राजन के हों। और हम कैसे लग रहे हैं, कलूटी कलूटी। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज छोटा छोटा कमेंट करना और मुझे बताना, और मुझे जो कमियां रहती हैं उनको मैं ठीक करूं, इसलिए प्लीज आप सब लोग मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। और मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।